शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। झूठे नाम और इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं करती जो किसी गरीब इंसान के लिए मौत का फंदा बन जाए। नक्को बाबा प्यार का ये रोग, नक्को बाबा प्यार का ये रोग, खली पिली बातें बना झूठ बोल बोल, लड़की पटाते हो तुम लड़का लोग। मुझे डर लग रहा है कहीं हम दोनों के बीच में कोई तीसरा ना आ जाए। जूते वाले का हाल नए जूते से पुराने जूते जैसा हो गया है। चल चल जल्दी कर। क्यों? होने वाली बहू का शू पॉलिश करने में शर्म आ रही है क्या? तू लड़का है लंदन का, मैं लड़की हिंदुस्तानी, तेरी मेरी नहीं बनेगी कोई प्रेम कहानी। जा दिल भर जानी, जा दिल भर जानी, जा दिल भर जानी, हाय रूपी रानी। चील के चोंच में अंगूर, खुदा की कुदरत, पहलू में हूर में लंगूर, खुदा की कुदरत। रब याद करूं, एक फरियाद करूं, बिछड़ा यार मिला दे, ओए रब्बा बिछड़ा यार मिला दे, ओए रब्बा मेरा दिलदार मिला दे, ओए रब्बा। ख्वाबों की वो शहजादी साउथ की रानी तो बन चुकी थी, उनके दिलों पर अपने अनुपम सौंदर्य का जादू भी चला चुकी थी, पर हिंदी ऑडियंस उसकी इन खूबियों से अभी तक अनजान थी। नमस्कार, मैं अदा स्क्रीन लेजेंड्स के सेंचुरी एपिसोड के सेकंड पार्ट में बात कर रही हूँ ऑल टाइम ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस श्रीदेवी की, जिन्होंने अदाकारी की हर एक अदा को मुकम्मल किया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि श्रीदेवी की पहली हिंदी फिल्म सोलवा सावन बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी, लेकिन कई बॉलीवुड वेटरन्स का मानना था कि एक दिन श्रीदेवी की खूबसूरती और उनकी अदाकारी का जादू हिंदी सिनेगोअर्स के सिर चढ़कर बोलेगा। ऐसा मानने वालों में एक्टर अनिल कपूर के फादर प्रोड्यूसर सुरिंदर कपूर भी थे, जिनको श्रीदेवी में हमेशा अपनी मेंटोर गीता बाली की छवि दिखती थी। सुरिंदर कपूर के ही बड़े बेटे बॉनी कपूर ने आगे चलकर श्रीदेवी से शादी कर ली। अपनी पहली हिंदी फिल्म सोलवा सावन की असफलता ने श्रीदेवी को मायूस तो किया, पर सही वक्त का इंतजार करते हुए वो साउथ में लगातार आगे बढ़ती रही। बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी, जानते हो क्यों? क्योंकि एक दिन ये घर मेरा होने वाला है। और वो सही वक्त आया करीब 3 सालों के बाद, जब बॉलीवुड स्टार जीतेंद्र के साथ पद्मालय स्टूडियोज और डायरेक्टर के राघवेंद्र राव ने श्रीदेवी को हिम्मत वाला ऑफर की। मुझे लगता है अब इंतजार खत्म हो गया है। के राघवेंद्र राव अपनी ही तेलुगु ब्लॉकबस्टर उरी के मुनागाड़ू का हिंदी में रीमेक करना चाह रहे थे, जिसकी हीरोइन थी जया प्रदा। फिल्म सरगम की सफलता के बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स भी जया प्रदा को ही रिपीट करने के फेवर में थे, लेकिन जितेंद्र श्रीदेवी के ही नाम पर अड़े रहे और फाइनली राघवेंद्र राव ने भी उसी पर अपनी मोहर लगा दी। दिखला तो मरहम रख देंगे, मरहम रख देंगे, जख्म आए बदन पे कहां, यहां वहां। बताना
श्रीदेवी हिंदी फिल्मों में अपनी वापसी को लेकर एक नए उम्मीद के साथ जिस तरह एक्साइटेड थी, उसी तरह राघवेंद्र राव ने भी फिल्म में उनके कैरेक्टर, उनके कॉस्ट्यूम, मेकअप और उनकी अपीयरेंस पर रीवर्क करके उसे पूरी तरह से ग्लैमराइज कर दिया था। हिम्मतवाला के सेट पर श्रीदेवी बिल्कुल चुप रहती, जैसे कोई मासूम सी बच्ची पहले दिन स्कूल में अपने सीनियर्स के सामने खड़ी हो। लेकिन जैसे ही वो कैमरा फेस करती, उसी क्षण उनकी रग रग में जैसे बिजली का करंट प्रवाहित होने लगता था, स्पेशली गानों की शूटिंग के वक्त। अपने चार्ट बस्टर गानों की वजह से हिम्मत वाला 1983 की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बन गई, जिसने ट्रेड पंडित्स को भी चौंका दिया। उस समय श्रीदेवी हिंदी लैंग्वेज से बिल्कुल ही अनजान थी, इसीलिए हिम्मत वाला की फाइनल डबिंग एक्ट्रेस नाज से करवाई गई। फिर भी गानों की पिक्चराइजेशन में उन्होंने जिस सफाई से लिप सिंकिंग की है, उसी से उनके डेडिकेशन का पता चल जाता है। आगे चलकर नाज उनकी परमानेंट डबिंग आर्टिस्ट बनी रही, जब तक कि वो खुद हिंदी बोलना सीख नहीं गई। एक बात कान खोल के भेजे का तराजू मत तोल के याद रखना, अगर हमरी और कभी तिरछी आंखों से देखा तो उंगली डाल के आगे निकाल लेंगे, समझा? चल पकड़े झाड़ू, नर्क जैसन कमरा खुद ही साफ कर, समझा? अगर आपको बदला ही लेना है तो उसके लिए आपको अमेरिका जाकर उन लोगों से भी बढ़कर शो करने चाहिए, और इसके लिए हम तैयार हैं, हम आपके साथ हैं साहब, हम पर भरोसा रखिए। हिम्मत वाला के ठीक 6 महीने बाद रिलीज होने वाली कमल हसन श्रीदेवी की सदमा फिल्म मेकर्स और ऑडियंस के लिए चर्चा का विषय बन गई थी। मैं तो बच्ची हूँ तो बच्चों जैसे हरकतें करूंगी ना। तमिल फिल्म मून राम पिरई की रीमेक सदमा में श्रीदेवी का ग्लैमर ना उनके कॉस्ट्यूम में दिखाई दिया, ना उनके मेकअप में और ना ही उनके सॉन्ग्स में, बल्कि इस बार एक अलग तरह का फैसिनेशन उनकी परफॉर्मेंस में, उनकी निगाहों में और उनके जेस्चर्स में नजर आया, जिनके थ्रू वो बिना कुछ कहे ही सब कुछ कहती हुई दिखाई देती हैं। हिम्मत वाला के लिए जहां उनकी अदाकारी में श्रृंगार रस की अहमियत दिखती है, वहीं सदमा में वो करुण रस की इमेज में नजर आती हैं। लेकिन शायद मास ऑडियंस को उनकी ये लैंग्वेज ठीक से समझ नहीं आई, इसीलिए बॉक्स ऑफिस पर सदमा को वैसी कामयाबी नहीं मिली। फिर भी डायरेक्शन और अदाकारी के लिहाज से ये फिल्म धीरे धीरे कल्ट बन गई। हिम्मत वाला और सदमा जैसी दो फिल्मों से ये सिद्ध हो चुका था कि श्रीदेवी हिंदी फिल्मों की स्टार एक्ट्रेस बनने वाली है। जहां 1983 में जितेंद्र श्रीदेवी की तीन और फिल्में जानी दोस्त, जस्टिस चौधरी और मवाली बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाती रहीं, वहीं 1984 में उनकी तोहफा अलोंग विद जयाप्रदा उस साल की टॉप ग्रॉसर बनी। अब हिंदी सिनेमा का बड़े से बड़ा स्टार श्रीदेवी के साथ अपनी जोड़ी बनाने के लिए बेताब दिखाई देने लगा था। अमिताभ बच्चन ने उनके साथ इनकलाब की तो राजेश खन्ना ने मकसद और नया कदम। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं तुम्हारे इन आदर्शों में तुम्हारा हाथ बटाऊं, तुम्हारे उसूलों में तुम्हारा साथ निभाऊं। लक्ष्मी तुम ये क्या कह रही हो? यहाँ तक कि तुम्हारे जीवन का साथी बनना अपना सौभाग्य समझूंगी। जहाँ जहाँ
Incidentally, Jaya Pradha was also a part of Maqsad and Naya Qadam. Phir bhi, Sridevi ki popularity ne unhe overnight superstar aur highest paid actress bana diya. Maqsad ki climax song Naag Raja mein Sridevi aur Jaya Pradha ke nritya ki jugalbandi dekhne milti hai. Dekha jaye to Jaya Pradha ek trained classical dancer thi, jabki Shri ne dance ki kabhi formal training nahi li. Iske bawajood, pure song mein unhone jis adakari aur perfection ke saath perform kiya, wo vishwas se pare hai. सिर्फ 4 साल की एज में चाइल्ड एक्टर के तौर पर वर्क इज वर्शिप का जो पाठ उन्होंने अपनी पहली फिल्म थुनाईवन में पढ़ा था वो करियर के हर कदम पर उनके काम आता रहा। मीडिया के लिए जया प्रदा और श्रीदेवी की चर्चा टाइम पास का मुद्दा बन चुकी थी। कोई जया को बेटर एक्ट्रेस बताने पर अड़ा हुआ था तो कोई श्री को बिगेस्ट स्टार साबित करने पर तुला हुआ था। जया अगर देवी बनने की कोशिश कर रही थी तो श्री डीवा बनने की राह पर काफी आगे निकल चुकी थी। के इंतकाम के लिए अपना जाति बदला लेने के लिए एक आदमी को इंसान से राक्षस बनाने वाले वो खुदगर्ज औरत आप ही हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। औरत जात के नाम को उसकी पवित्रता को बदनाम करने वाली उस शारदा देवी का चेहरा कैसा होगा एक बार देखना चाहती थी। देख लिया। चल चल जया प्रदा और श्रीदेवी दोनों ने बड़ी खूबसूरती के साथ सगी बहनों और सहेलियों के किरदार निभाए लेकिन रियल लाइफ में दोनों ने कभी एक दूसरे से बात तक नहीं की। मकसद की शूटिंग के दौरान जितेंद्र और राजेश खन्ना ने दोनों को मेकअप रूम में लॉक कर दिया था ताकि अकेले में वो एक दूसरे से कुछ बात करें। पर एक घंटे बाद जब दरवाजा खोलकर देखा गया तो दोनों कमरे के ऑपोजिट कॉर्नर्स में एक दूसरे से मुंह फेर चुपचाप बैठी हुई थी। मिड 84 में रिलीज होने वाली के विश्वनाथ की जाग उठा इंसान पहले जया प्रदा को ऑफर हुई थी पर उनकी डेट्स की प्रॉब्लम थी। ये बात जब श्री को पता चली तो उन्होंने अपनी प्राइस कट करते हुए बल्क डेट्स ऑफर कर दी। दरअसल श्रीदेवी के विश्वनाथ के डायरेक्शन में एक फिल्म करना चाहती थी एंड जाग उठा इंसान गेव हर दैट अपॉर्चुनिटी। 1986 की टॉप 3 मूवीज कर्मा आखिरी रास्ता और नगीना में कॉमन फैक्टर थी श्रीदेवी। नगीना में एक इच्छादारी नागिन का किरदार श्रीदेवी ने बड़ी संजीदगी और खूबसूरती के साथ निभाया। नगीना की कामयाबी ने साबित कर दिया कि श्रीदेवी एक लौती ऐसी अभिनेत्री थी जो किसी मेल स्टार की मोहताज नहीं थी। वो अपने दम पर एक ऐसी फिल्म को बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बना सकती थी जिसकी भाषा भी उन्हें ठीक से नहीं आती थी। अगर तुझे ये सब याद है शफी के भांड तो ये भी याद होगा कि भरी बस्ती में हमने तुझे कैसे नीला पीला किया था। उनके को स्टार ऋषि कपूर का कहना था कि श्रीदेवी कैमरा के सामने जितनी बोल्ड और बिंदास नजर आती थी बिहाइंड द कैमरा वो उतनी ही रिजर्व्ड और खामोश रहा करती थी। नगीना की शूटिंग के दौरान उन्होंने ऋषि के साथ सिर्फ एक बार बात की वो भी तब जब एक टेक्निकल रीजन की वजह से शूटिंग रुक गई और दोनों एक्टर्स आमने सामने खड़े थे। उस ऑकवर्ड साइलेंस को ब्रेक करते हुए श्रीदेवी ने कहा मैंने आपकी फिल्म खेल खेल में 4 बार देखी है और उसके जवाब में ऋषि ने कहा था थैंक यू आप डांस बहुत अच्छा करती हैं। इसके बाद शूटिंग रिज्यूम हो गई और फिर उन दोनों ने कभी कोई बात नहीं की। श्रीदेवी की पर्सनालिटी की खास बात ये थी कि पर्दे पर उनके सामने कितना भी बड़ा स्टार क्यों न हो दर्शकों की निगाह सबसे पहले उन्हीं पर पड़ती थी। 1987 में भी श्रीदेवी की हिट्स बरसती रही।
वतन के रखवाले, जवाब हम देंगे, मजाल, औलाद और नजराना। मेरा बच्चा मेरे सामने है और मैं औलाद के लिए भटक रही हूँ। यशोदा को मेरा बच्चा देना था तो मेरी कोख से किशन को जन्म क्यों दिया? मुझे माँ क्यों बनाया? क्यों ममता का दर्द दिया? उसने तो वो गुनाह किया है साहब कि उसे भगवान भी माफ नहीं कर सकता। आपके बेटे के जन्म की खबर भी आप तक नहीं पहुंचने दी। 1987 ही वो साल था जब श्रीदेवी ने हास्य रस के अवतार में बिजली गिराई मिस्टर इंडिया में। मिस्टर इंडिया के प्रोड्यूसर बोनी कपूर के लिए श्रीदेवी को ऑन बोर्ड ले आना सपने को साकार कर लेने जैसा था। वो श्री को तभी से चाहने लगे थे जब उन्हें पहली बार स्क्रीन पर देखा था। मिस्टर इंडिया का प्रपोजल लेकर बोनी जब मद्रास गए तब श्रीदेवी की माताजी राजेश्वरी ने फीस के तौर पर 10 लाख की डिमांड रख दी। जब बोनी ने कहा कि मैं 10 नहीं 11 लाख दूंगा तो राजेश्वरी जी को विश्वास ही नहीं हुआ। सोचा कि बॉम्बे से ये कैसा सिरफिरा प्रोड्यूसर आ गया है। मिस्टर इंडिया से श्रीदेवी को एक नया टाइटल मिल गया, हवा हवाई। उस सॉन्ग और उसके पूरे सीक्वेंस को श्री ने जिस हिलेरियस अदाकारी के साथ परफॉर्म किया है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। गाने के दौरान उनकी आँखें, लिप्स, उनका पूरा चेहरा, हाथ और पैर की उंगलियां, उनकी इंटायर बॉडी परफॉर्म करती नजर आती है। फिल्म के डायरेक्टर शेखर कपूर, सिनेमेटोग्राफर बाबा आजमी और कोरियोग्राफर सरोज खान हैरान हो जाते थे कि कौन सा लेंस यूज करें जिससे उनके हर एक एक्शन को कैप्चर किया जा सके। और मिस्टर इंडिया का वो चार्ली चैपलिन सीक्वेंस, इट वॉज अनबिलीवेबल। नोबडी कुड एवर बीट श्रीदेवी ऑन हर कॉमिक टाइमिंग। फिल्म में श्रीदेवी के परफॉर्मेंस को देखकर लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि श्रीदेवी अगर मिस्टर इंडिया के बाद एक भी फिल्म ना करती तो भी उनकी बेमिसाल अदाकारी को आने वाले 500 सालों तक भुलाया नहीं जा सकता। 1988 और 1989 में श्रीदेवी का जादू चलता रहा विद सोने पे सुहागा, राम अवतार, शेरनी, वक्त की आवाज, गुरु, निगाहें और गैर कानूनी। कमिश्नर साहब आप ये जमानत दे दो ना। आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे लगता है जब आपके केस का फैसला होगा तो मैं ही आपके पीछे निकलूंगी। उस मुकदमे का इस केस से क्या वास्ता? इंस्पेक्टर शर्मा, रिपोर्ट तैयार करो। यस सर। नहीं 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 डैडी फादर, बाबू 50 डंडे मारो मगर रिपोर्ट मत लिखो। अरे वो मत लिखो, अगर रिपोर्ट लिखी तो मैं पुलिस के रिकॉर्ड में आ जाऊंगी और एक बार जेल का लेबल मेरे माथे पर लगा तो कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। इतनी जल्दी मैं तुझे नहीं मारूंगी। मुद्दतों के बाद आज वो दिन आया है जिसका मुझे इंतजार था, गांव वालों का इंतजार था। आज तुझे अपने किए हुए जुल्मों का गिन गिन कर हिसाब देना होगा। तुम जो समझो हमारा इशारा भी, हम भी कर देंगे तुमको इशारा कभी। तुम जो समझो हमारा इशारा भी, हम भी कर देंगे तुमको इशारा कभी। में ही श्रीदेवी की दो फिल्मों ने इतिहास रचा, चांदनी और चालबाज। प्रोड्यूसर डायरेक्टर यश चोपड़ा की बेहतरीन लव ट्रायंगल चांदनी में श्रीदेवी ने टाइटल रोल प्ले किया जिसमें उनके को स्टार्स थे ऋषि कपूर और विनोद खन्ना। लेकिन श्री की लार्जर देन लाइफ वाली इमेज के साय में ये दोनों ही किरदार धुंधले पड़ जाते हैं। श्रीदेवी के अभिनय में श्रृंगार रस के दोनों भाव, संयोग और वियोग शामिल थे और इन दोनों मुद्राओं में श्रीदेवी की परफॉर्मेंस सभी सीमाओं के पार निकल जाती है। यश चोपड़ा ने भी श्री की लुक, उनके कॉस्ट्यूम्स और ज्वेलरी पर बड़ी बारीकी से ध्यान दिया और चांदनी का संगीत तो आज भी लोगों की जुबान पर है। चांदनी ने सही मायनों में श्रीदेवी को इमोर्टलाइज कर दिया। ये मेरी जिंदगी की कहानी का
एक बहुत खूबसूरत पन्ना था। दर्शकों के दिमाग से चांदनी का बुखार अभी ठीक से उतरा भी नहीं था कि श्रीदेवी ने चालबाज के रूप में दूसरा धमाका कर दिया। सीता और गीता की तर्ज पर बनी चालबाज में ट्विन सिस्टर्स अंजू और मंजू के किरदार को निभाते हुए श्रीदेवी ने एक बार फिर से अपने मल्टी डायमेंशनल टैलेंट को साबित कर दिखाया। वो कहती भी है, मैं तो मर्दों की बनाई हुई दुनिया में अपनी शर्तों पर जीना चाहती हूँ। चालबाज में श्रीदेवी की चकित कर देने वाली अदाकारी को फिल्म फेयर भी नजरअंदाज नहीं कर सकी और उन्हें अपने बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड ट्रॉफी से सम्मानित किया। खुशी का बात है, जबकि वो चांदनी के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। तो इसी बात पर क्यों ना लेडी सुपरस्टार के कुछ सीन्स देख लिए जाएं। गुरु, सोएंगे कहाँ हम लोग? हम लोग? अब मेरा मतलब है कहाँ सोएंगे? तुम केबिन में सोगी और मैं उधर। चलो चलो चलो। बाप रे, खाती पीती है। अरे बाप रे, नाम लेते ही आ गया। गुरु, क्या है? हाथी चिंगाड़ रहा है। तो चिंगाड़ने देना, तेरे गले में क्यों तकलीफ हो रही है? सुंड में उठाकर कहीं पटक दिया तो? गुरु, अरे हाथी सयाना जानवर है, कोई फालतू चीजें नहीं उठाता। चल सो जा। गुरु गुरु, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं तुम्हारे पास आकर सो जाऊं? ओहो, क्या मुसीबत है, जा जाकर ऊपर कैरेट में सो जा। क्या गुरु, लंबाई मुझे पूरी पड़ जाएगी? ओह, अगर पूरी नहीं पड़ेगी तो सुकड़ कर सो जा। रे जा। जाती हूँ बाबा। इतना भड़कते क्यों हो? गुड नाइट गुरु। गुरु, गुरु। ओहो, क्या मुसीबत है, आप क्या हुआ? शेर धाड़े मार रहा है गुरु। तो धड़े मारने देना, तेरे पेट में क्यों तकलीफ हो रही है? गुरु, छलांग मारकर ऊपर आ गया और मुझे पंजे मार मार के शेर फट के मुंह खा गया तो? नहीं 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 नहीं। अरे शेर को मालूम है कौन सा जानवर खाना चाहिए और कौन सा नहीं। तुझे खाकर शेर को अपना पेट खराब करना है क्या? चल जा सो जा। फिर भी रिस्क क्यों लेने का गुरु? नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओ तौबा, कहां फंस गया? ठीक है, चल नीचे आकर सो जा। तुम्हारे बगल में? बगल में? मेरा मतलब है कौन सी जगह? ए, ज्यादा बकवास मत कर, इधर सो जा। तुम कितने अच्छे हो ना गुरु, बहुत ठंड लग रही है, जरा अपनी चादर में आने दो ना। ए, ए, लगता है थोड़ी देर के बाद कहेगी कि मैं कुछ छिपक कर सो जाऊं। आपको कैसे मालूम हुआ? अबे चुप, मैं आदमी हूं, कोई होटल का कमरा नहीं। देखने दे कि डू नॉट डिस्टर्ब लगा हुआ है, फिर भी घुसी जा रही है। आंखें मुंह बंद करके सो जा। अरे माँ, ये भगवान, बहुत ठंड लग रही है। ओहो, ओहो, ये ले चादर, आके लिए उठकर सो जा। क्या? थैंक यू गुरु, इसकी क्या जरूरत थी, हम अगर तकलीफ उठा नहीं। चिकने, अब मेरे को क्या देखती है, फोकट की मिल गई इसलिए ज्यादा बिगड़ गया। चल तेरे को तेरे घर छोड़ देता हूँ। तुम कौन होते हो मेरे साथ चलने वाले, न जान न पहचान? अच्छा, न जान न पहचान। एक तो तूने मेरे बाप की घड़ी चुराई, ऊपर से मैंने तेरी जान भी बचाई। देखो, अगर घड़ी और पैसे की बात की तो मैं पुलिस में जाकर तेरा छोड़ दूंगी। हाँ। अच्छा चल, तू चिकनी दिखती है इसलिए तेरे को छोड़ दिया, लेकिन देख मैंने तेरी जान बचाई बचाई मैंने तेरी इज्जत भी बचाई बचाई। अरे उसके बदले में कुछ तो अदा कर। तुमको हीरो बनने का शौक है इसलिए उन गुंडों को मेरे पीछे लगा दिया। देखो, तुमको एक पैसा भी नहीं दूंगी, इसमें से थोड़ा सा उस डांसर की माँ को दूंगी। अच्छा चल, रुपया भी अदा मत कर, एक पप्पी देना। पप्पी? पप्पी? ठीक है, इधर थोड़ी आगे। हाँ? अच्छा, तो बेवड़ा पीकर भी होश में, इसी को कहते हैं कि येड़ा बनकर पेड़ा खाना। ऐसे मौके के लिए हमेशा लाल मिर्ची पाउडर अपने साथ रखती हूँ, और हर जवान लड़की को लाल मिर्ची पाउडर रखना जरूरी है। क्यों, खाना पकाना क्या? चुप, खाना पकाने के लिए नहीं, इज्जत पकाने, इज्जत बचाने के लिए। संगी राजा, किसने दिल का अंडा फोड़ दिया रे, मेरा नसीबा फूट गया रे। ओए, ओए।
सारे सपने में खेले रे और दिन में तारे गिने रे, ओए रात का सपना तोड़ चले मुझे अकेला छोड़ चले। हाय ये क्या, अरे ऐसे चिल्ला क्यों रही है? चिल्ला कह रही हूँ गोली ने जंगी राजा की बोली बंद कर दी रे, हाय मोमबत्ती बुझ गई रे। ऊपर आ जाओ, ठीक है, कैसे थे, अब क्या हालत बना ली है? अरे ये तो चिपकती जा रही है, तेरे पिताजी आ जाएंगे, भगा दे इसको। ये क्या, तेरी माँ भगा रही है, चुपचाप लेटा देख रही है तू? होए होए भगत सिंह की तरह तेरी बाह में भी गोली लगी है। हाय राजा, हाय होए। ये लोरी गा रही है या मातम कर रही है, इसके लिए क्या ये मर गया है? बाहर निकाल इस छुड़ैल को। चलती हूँ। मैं विधवा बनकर नाटक तो कर सकती हूँ मगर विधवा बनकर सारी जिंदगी नहीं रह सकती। मैं जवान हूँ, हसीन हूँ, आप भी तो कुछ कम नहीं, तो क्यों ना आप ही मेरा हाथ थाम ले। यस, मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत कबूल कर ले प्लीज। कैसी कैसी बातें कर रही हो तुम? अच्छी अच्छी बातें कर रही हूँ मैं, भरी जवानी में मैं अकेले कैसे रह सकती हूँ, मुझे भी प्यार चाहिए। हाँ जी हासो जी नहीं, हसमुख जी। सॉरी, इट्स ओके। जब आप विग पहनते हैं ना तो आप किसी हीरो से कम नहीं लगते हैं। रियली? यस। आपको वो विग कहाँ है? मेरी जेब में। जेब पहन लीजिए ना। एक मिनट, एक कितने अच्छे लगते हैं पहन के। ओह सो स्वीट। आपका वो गुड लुकिंग चश्मा, वो भी है, वो बड़ा बड़ा वाला? प्लीज प्लीज प्लीज। ओह शिट, कितने अच्छे लग रहे हैं आप। मेरा दिल करता है आपको जी भर के प्यार करूं। चोर श्रीट, आपकी चुम्मी ले लो। कहाँ हो? मिल गए, मिल गए, मिल गए। शक्ल देखो हसमुख जी, आप बिल्कुल बच्चे की तरह हैं। हसमुख जी मुझे भी ऐसे दो दो जुड़वा बच्चे चाहिए, बिग वाले बिल्कुल आपकी तरह। दो? क्या कुछ प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं, सिर्फ एक काफी है, वो भी ऐसा आपकी जैसा। क्या हुआ जी? आप जो दे दो मुझे करंट लगता है, प्लीज। ओह गॉड, हम लोग कब कहाँ मनाएंगे हनीमून? वेरी सून, देहरादून। देहरादून? लंदन में रहते हुए आप हिंदुस्तान की बातें करते हैं, हम जाएंगे स्विट्जरलैंड, पेरिस। लेकिन किसी को पता नहीं लगना चाहिए। नो no. न दिमागों को, नो no. न सोन सिंह को, नो no. न मेरे पड़ोसी के ढक्कन को। विग निकल गई। हसमुख, आई एम वेरी वेरी सॉरी, आपका विग गिर गया। हसमुख जी आप जानते हैं कि जमाना प्यार करने वालों से बहुत जलता है, तो आप यहाँ से चले जाइए। यस, मैं हूँ ना हमेशा आपकी राधे। राधे? हसो। ओ नो नो, हसमुख जाने से पहले मैं एक शेर कहना चाहता हूँ। नो, किसी के कान में हीरा, किसी की आंख में हीरा, मुझे हीरों से क्या लेना, मेरा महबूब है हीरा। मेहंदी को देखकर हिना का रंग क्यों फीका पड़ गया? हिना ने मेहंदी के रंग पे डाका डाला इसलिए। ये तुम क्या कह रही हो मेहंदी? मैंने तो, हिना ने तो अपना रंग भी मेहंदी को दे दिया। कहाँ है वो, कहाँ है वो चोर? चोर? हिना, तुम्हारे सामने एक ऐसी सच्चाई खड़ी है जिसे देखकर आईना भी झूठ नहीं बोल सकता। कहाँ है वो बेरहम बाप जिसने दूसरों की गिरीबान तो सी डाली मगर अपनों की ही गिरीबान भूल गया? बेटी बाप के लिए तड़प रही है ना, बताओ कहाँ है, बताओ कहाँ है वो जल्लाद बाप? उन्हें जल्लाद मत कहो मेहंदी, मत करो उन पर और एक जुल्म। अरे वो तो देवता है, देवता। तो बताओ कहाँ है तुम्हारा वो देवता? मुझे माफ कर दो मेहंदी, मैं एक राजपूत की बेटी हूं, वचन नहीं तोड़ सकती।
तुम्हारा जन्मदिन है ना? हाँ, और तुम्हारा भी। जन्मदिन के दिन तुम दान करती हो, खैरात बांटती हो। मेरा अब्बू मुझे खैरात में दे दो, मेरा अब्बू मुझे दे दो। वाओ, आई कैन ओनली से श्रीदेवी जैसी कोई नहीं। फ्रॉम हिम्मतवाला एंड सदमा टू चांदनी एंड चालबाज, हिंदी फिल्मों में 80 का दशक श्रीदेवी के लिए माइंड ब्लोइंग रहा। कैसा रहा उनका करियर नेक्स्ट जेन 90s में और कैसी रही उनकी पर्सनल लाइफ, इसकी चर्चा होगी स्क्रीन लेजेंड्स श्रीदेवी के तीसरे और फाइनल पार्ट में। तब तक के लिए मैं यानी अदा लेती हूँ आपसे विदा। गुड बाय, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, रखिए अपना ख्याल। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ। दुश्मन जान के दुश्मन।